साल 1957 आ चुका था, लेकिन फिर भी भारत के कई हिस्से अभी भी भारत के कब्जे में नहीं थे। गरीबी से देश जूझ रहा था और इसी बीच दूसरे लोकसभा चुनाव कराए गए। इन चुनावों में भी जीत कांग्रेस पार्टी को मिली और एक बार फिर जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने। इस बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नेहरू ने अंग्रेजों के जमाने से चले आने वाले सिक्कों को बंद कर दिया और देश में शुरुआत हुई नए सिक्कों की। अप्रैल 1957 में केरला में चुनाव कराए गए, जिसमें लेफ्ट ने बाजी मारी और कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से एमएस नंबूदरीपाद केरल के मुख्यमंत्री चुने गए। जैसा मैंने बताया कि 1957 तक भारत के कई राज्य उसके कंट्रोल में नहीं थे। पुर्तगालियों ने अब तक गोवा पर कब्जा जमा रखा था और अक्सर भारतीय फौज से पुर्तगालियों की झड़प हो जाया करती थी। अगस्त में एक ऐसी ही झड़प दादर और नगर हवेली के करीब तारक पारदी में हुई, जब पुर्तगाली जवानों ने भारत के सैनिक पोस्ट को फायर किया। हालांकि इस झड़प में दोनों ओर कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन एक बात भारत सरकार को समझ में आ गई, वो ये कि जल्द से जल्द गोवा को पुर्तगालियों के कब्जे से आजाद कराना होगा। भारत अपनी फौज का आधुनिकीकरण कर रहा था और इसी साल भारत को अपना पहला जेट बॉम्बर विमान कैनबरा मिला, जो दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए एक अहम हथियार माना जा रहा था।